सनी देओल के सामने आने से डरते हैं बॉलीवुड के ये 5 अभिनेता। नंबर 4 है बहुत बड़ा स्टार। नमस्कार। आज के समय में बॉलीवुड में रिश्ते बनाना बिगड़ना बहुत आसान बात हो गई है, जिनमें से कुछ अभिनेताओं की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वह एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। आज हम आप लोगों को 5 ऐसे अभिनेताओं के बारे में बताने जा रही हैं जो सनी देओल के सामने नहीं आते हैं। दरअसल कई सालों से इनके भी दुश्मनी चल रही है, तो आइए जानते हैं। नंबर 5 अनिल कपूर। अनिल कपूर और सनी देओल 1988 में आई फिल्म राम अवतार में एक साथ काम करते नजर आए थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सनी देओल और अनिल कपूर के बीच कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद इनका ये रिश्ता दुश्मनी में बदल गया। दोनों ही कभी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। नंबर 4 कमाल राशिद खान। श्रेयस तलपड़े के डायरेक्शन में बनी फिल्म पोस्टर बॉयज में सनी देओल और बॉबी देओल भी नजर आए थे। सनी देओल की इस फिल्म पर कमाल राशिद खान ने ट्वीट पर सनी देओल के साथ उनके घर का भी मजाक उड़ाया था। तभी से कमाल राशिद खान सनी देओल के दुश्मन बन गए। वहीं श्रेयस तलपड़े ने भी इन्हें खरी खोटी सुनाई थी। नंबर 3 अजय देवगन। बॉलीवुड की बड़ी फिल्म द लीजेंड भगत सिंह में सनी देओल ने बॉबी देओल को लेने को कहा था, लेकिन इस बात पर अजय देवगन ने उन्हें मना कर दिया, जिसके बाद अजय देवगन और सनी देओल की दोस्ती के बीच खटास आ गई थी। नंबर 2 शाहरुख खान। 1993 में आई फिल्म डर में सनी देओल और शाहरुख खान एक साथ काम करते नजर आए थे। फिल्म के दौरान शाहरुख खान ने सनी देओल से ज्यादा तारीफें पाई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान व सनी देओल के बीच खास सुनी हो गई थी, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करना बंद कर दिया। नंबर 1 आमिर खान। आमिर खान और सनी देओल की फिल्म लगान और गदर सन 2001 में 15 जून को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। दोनों ही फिल्में बड़ी हिट साबित हुई थी, लेकिन सनी देओल ने आमिर खान को लगान की डेट रिलीज आगे बढ़ने को कहा था, जिस पर आमिर खान ने मना कर दिया और इनके बीच मनमुटाव पैदा हो गया, जो आज तक बना हुआ है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।